आईसीएस क्लास 10th के लिए जो भी 2024 में क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जैक्ट एमसीक्यू क्या होंगे और इसको लेकर सीआईएससी की क्या स्ट्रेटजी होगी, तो मैं सीआईएससी का एज इट इज बताने जा रहा हूं कि कौन से एमसीक्यू फिजिक्स आईसीएसई क्लास 10th में पूछे जा सकते हैं या इसी तरह के एमसीक्यूज रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो देखिए द कलर ऑलवेज चेंजेज व्हेन द लाइट, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस, यहाँ पर भी एक गड़बड़ है। फिर थर्ड है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज व्हेन इन एंटर्स ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर मीडियम, तो ए एक सही आंसर है। इसलिए चूंकि ये पहला जो दो या तीन वर्ड होगा और उसके बाद के रिलेशन से ही आपको स्पष्ट होने लगेगा कि ये आंसर सही है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, तो उस कंडीशन में देखेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम होता है, इस बात की गुंजाइश रहती है। फिर इन द डायग्राम सोन, ये आपका डायग्राम है दिया गया और इस डायग्राम के आधार पर कहा जा रहा है कि बी इज इंसिडेंट रे, देखिए तो बी इंसिडेंट रे होता तो इस तरह का सिंबल नहीं होता, टू ए इज इंसिडेंट रे, चलिए ए इंसिडेंट रे है एंड बी इज रिफ्रेक्टेड रे, ये भी मान लिया, लेकिन ए पूरी तरह से सही नहीं है, यहाँ से आ रहा है ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ए इंसिडेंट रे तो है लेकिन यहाँ पर मीडियम ऑफ चेंज है, अगर एक मीडियम से इधर से लाइट आ रहा है तो वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, इस कंडीशन में ऑप्शन 4 सही है। इस तरह से आपको ध्यान रखने होते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस में आंसर संभव है। अब देखिए एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज कैसे बनेंगे इसको लेकर कहा गया है कि देखिए कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जब बनाने का फॉर्मेशन शुरू होगा तो अच्छी तरह से आप देख लेंगे कि यह ऑब्जेक्ट डिमिनिस्ट बनेगा, उससे ज़्यादा है कि वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा, रियल बनने की कोई उम्मीद नहीं, ऑप्शन गया। फोकल लेंथ की बात करेगा नहीं तो यह भी ऑप्शन गया और डिमिनिस्ड होने की संभावना तो हम बहुत दूर तक अभी रखते हैं, तो ये एक क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आने चाहिए। यहाँ पर ई में आपको बताया जा रहा है कि वेव लेंथ किसी भी लाइट का एक मीडियम में 600 nm है और जब वेव एंटर करता है मीडियम बी से तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 हो जाता है। यहाँ पर स्टेप्स टू फाइंड द वेव लेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम बी, मीडियम बी में लाइट का क्या हो जाता है, तो इसके लिए आपको ऑप्शंस का चुनाव करने हैं। तो जब आप ऑप्शंस का चुनाव कर रहे होंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए आप देखेंगे कि जितना उसका वेव लेंथ है और उसके बाद जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है इससे डिवीजन होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 जो ऑप्शन है वो दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। फिर अब देखिएगा कि यहाँ पर कहेगा कि स्टूडेंट के लिए कि और ऑप्शंस भी संभव हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे इस तरह से दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको देखने होंगे कि एक और है चूंकि यहाँ पर 600 मीटर है और 1.5 स्टेप्स आपको मूव करने होंगे, तो यहाँ पर 600 मीटर से 200 मीटर का माइनस भी होगा, इस अर्थ में माइनस होगा चूंकि 1.5 है तो इससे टोटल डिवीजन कर देंगे, तो इस कंडीशन में एक और 400 nm मिलता है हमको, सॉरी 400 nm मिलेगा चूंकि 1.5 है यानी कि 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 200 मिलता है, तो इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शन सही यानी बी और सी दोनों सही है, इसलिए हम इस तरह से क्वेश्चन के आंसर में 2 देंगे। अब एफ को देख लीजिए, डायग्राम आपको दिया गया है और डायग्राम दिया गया है तो कहता है कि डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर है, लेंस L1 है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये पूरा सीन या सिचुएशन दिख रहे होंगे कि इस तरह से ये जो लेंस है तो इसको लेकर सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डिमिनिश्ड और वर्चुअल बन रहा है तो यहाँ पर 12x30 मीटर, यहाँ पर हमारे पास 36 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर का ये दे दिया गया है, दिमाग को हम लोग दौड़ाएंगे और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा कि ये 12 मीटर से 24 सेंटीमीटर, चूंकि इधर तो जाने के कंडीशन में आपका 36 से 12 घट जाएगा तो 24 बच जाएगा, तो यानी कि हमारा 12 से 24 सेंटीमीटर के बीच ही में ये लेंस का रहेगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है इधर लेफ्ट हैंड है, तो इधर आपके पास इसी तरह के कंडीशन बच जाएंगे।
अब सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस, तो डायोप्टर में इसको मेजर करना होगा और पावर ऑफ लेंस इसको तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, प्लस में आएगा 8 पॉइंट, लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, इधर प्लस में आएगा तो 8.33 डायोप्टर है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ अ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के साथ आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना होगा, तो जब राइट साइड है तो ये अच्छी तरह से है कि देख 20, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यह हमको -18 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। अब है कहता है कि लेंस है ये वाला पार्ट, तो जब ये लेंस है रिप्लेस करेगा और 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होने के कंडीशन में ये अच्छी तरह से समझने वाली बात है कि साइज ऑफ इमेज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब लेंस को रिप्लेस किया जाएगा दूसरे लेंस के द्वारा और सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रह जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो इमेज का साइज बढ़ेगा ना, तो ये बात को ध्यान रखना है। पहले हमें ये बताया गया कि डिस्टेंस है और एल एल एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। आगे हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को लेकर है क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कहता है कि यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का यूजेबल फॉर्म क्या संभव है, तो इसके लिए आप देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं संभव है, फिर आपके नन ऑफ दीज ऑप्शंस, ऐसा थोड़े होता है, यहाँ पर तो ऑप्शंस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में सही है। अब देखेंगे 1 हॉर्स पावर 746, ये तो याद रखने की चीज़ है। फिर देखते हैं कि ए और बी है, सेम मास का है और एक क्लाइंब करता है थर्ड फ्लोर पर, एक बिल्डिंग है 3 मिनट में एंड 5 मिनट में 3 to 5 मिनट का ये बताया जा रहा है, तो 4 यहाँ पर निकलेगा, हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी ऑफ ए मीटर स्केल 80 ग्राम है और 45 सेंटीमीटर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ ए स्केल, बैलेंस्ड पोजीशन होता है, तो बैलेंस पोजीशन ऑफ ए स्केल हमको निकालने के लिए जब देखेंगे तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, फलक्रम इधर आ गया, सेकंड में यहाँ पर भी बैलेंस्ड हमको नहीं दिखता है क्योंकि 100 ग्राम है 50, फिर 100 है 50 है और इसके बाद ये 60 पर यहाँ फलक्रम है, तो उस कंडीशन में जबकि नीचे 45 का लग रहा है। अब यहाँ पर चूंकि इन दोनों के बीच में कोई बैलेंस ही नहीं मिल रहा है, यहाँ भी दोनों के बीच में कोई बैलेंस हमको नहीं मिलता है 60 और 40 ग्राम के, लेकिन जैसे ही देखते हैं 32,000 यानी कि इससे दुगना है, तो इस कंडीशन में ये बैलेंस्ड माना जाना चाहिए और मुझे भी लगता है कि ये बैलेंस्ड होगा क्योंकि यहाँ पर 80 है तो फिर यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं मिलेगा। एक बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी 250 जूल है, अगर मास ऑफ द बॉडी 5 kg है और वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑप्शंस, यहाँ पर कहा जाएगा कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी जैसे ही निकालेंगे 5 kg का है तो 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ये हो सकता है वन पॉसिबल रीजन है। अब दूसरा है कि इसमें 5 kg है और 250 जूल है, तो अगर इसको हम निकालना चाहेंगे तो मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, एक से ज़्यादा आंसर यहाँ पर सही है, सीआईएससी अक्सर ऐसा करती है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं और इसको लेकर कोई दिक्कत की गुंजाइश नहीं होती है। एक गर्ल अरेस्ट कर रही है गेट पर और उसका सोसाइटी पर, और विच इज़ 32 मीटर अबव द रोड, रोड के 32 मीटर ऊपर होती है यहाँ पर दिखला रहा है, और कम्स डाउन स्लोप है, इस स्लोप पर आ रही है और विदाउट पैडलिंग, तो यहाँ पर उसको पैडलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके कारण क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी इस लड़की का क्या होने जा रहा है, तो मेरे विचार से मैकेनिकल एनर्जी है पसेस्ड बाय द गर्ल, ये तो ग्रेविटेशन के अंतर्गत है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इसमें कोई ध्यान दो राय नहीं है। फिर थर्ड है, सेकेंड क्वेश्चन है वेलोसिटी एट विच गर्ल्स रीचेज द पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर ए आ रही है, तो पॉइंट ए यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ पर देख लेंगे कि जो न्यूटन का दिया हुआ है तो इस हिसाब से 3.2 मीटर अबव है, और यहाँ पर देखेंगे कि जब पहुँचेगी तो हम लोग इससे ले लेंगे, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड का भी एक आंसर संभव है। फिर देख लेंगे द मास ऑफ द गर्ल 40 kg, लड़की का मास 40 kg है, तो लड़की का मास 40 kg होने के कंडीशन में जूल के फार्मूला से निकाल लेंगे तो हमारे पास चूंकि एज्यूम किया जाएगा कि लॉस एनर्जी का लॉस नहीं है, तो उस कंडीशन में 1280 जूल ये हमारे पास एक आ जाएगा रिजल्ट, यही रिजल्ट बताया गया है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, गर्ल का मास 40 है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम निकालेंगे, या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², तो पोटेंशियल एनर्जी के जब फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ए 640 जूल के बराबर है, तो वर्क निकालेंगे। और इस तरह से आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीआईएससी जो कहता है जिस तरह से देने वाला है उसी तरह का यह है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं।